हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और देखिए, ये क्लास 9 का है, जब मैं जैसे लेके चल रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे और टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आप जा सकते हैं। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये अब थ्योरम हम लोग शुरू करेंगे। एक्चुअली लिनियर पेयर थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, RHS थ्योरम 1-2 इस तरह से दिया जाता है। तो आपको थ्योरम 1-2 को जो है उस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब थ्योरम बनाते हैं ताकि आपको ये पता रहे, और उसको जो है ये आपको इसको यदि इस तरह से भी बोला जाए, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लिनियर पेयर इज 180। तो थ्योरम को देखिए किस तरह से आप लिखेंगे और किस तरह से प्रूफ करेंगे। इसके जो बेसिक आइडियाज हैं मैं बता रहा हूँ, उसको आप एक एक करके देखेंगे कौन कौन से स्टेप आपको लगेंगे। ये थ्योरम कहता है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। आप इसको ध्यान से देखेंगे। आप दो तीन मैं बेसिक फंडामेंटल्स इसको पहले क्लियर करता हूँ, तब आगे मैं इसको बढ़ूंगा। इसको बनाने में बहुत समय आपको नहीं लगेगा। आप पहले चीज हमेशा याद रखेंगे, यदि इस तरह से एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये तीन एंगल, यहाँ दो एंगल्स बन रहे हैं आपको, ये एक छोटा एंगल, ये छोटा एंगल, तो ये और ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है। वो एडजेसेंट एंगल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म है, एक आर्म दोनों के बीच में कॉमन है, तो उसको एडजेसेंट कहा जाता है। आप देखेंगे यदि इस तरह से, यदि कुछ भी आप एक क्वाड्रिलेटरल या रेक्टिलिनियर फिगर लेंगे, तो यहां पर भी आप दो चीज हमेशा याद रखेंगे, ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। यहां पे यदि बात करें तो आप देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, यदि हम लोग देखें तो ये साइड दोनों में कॉमन है, इस एंगल में भी ये साइड कॉमन है, इस एंगल में भी ये साइड कॉमन है, ये और ये एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो यहां पर यदि देखेंगे तो ये और ये आपस में एडजेसेंट एंगल है। अब इसको यदि यहां पर लिनियर पेयर की हम बात करें तब क्या होता है, देखिए एक एंगल आपका ऐसा और ये कॉमन आर्म आपका ये था, सॉरी एक ये आर्म आपका था, है ना, ये जो है, और एक ये जो आर्म है ये और ये नॉन कॉमन है। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म यदि ये सीधे इसके ऑपोजिट में आ जाएगा, मतलब ये ऐसे सीधा हो जाए, तब ये और ये एंगल एडजेसेंट है और ये दोनों लीनियर पेयर कहलाते हैं। मतलब जो नॉन कॉमन आर्म है किसी दो एंगल, दो एडजेसेंट एंगल्स में जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो यदि ऑपोजिट रेज हैं, तो ये जो एंगल है इसको क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये आपका बेसिक फंडामेंटल। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे और हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये कोई लाइन है, इस पर कोई रे स्टैंड करता है, मान लिया ऐसा रे स्टैंड कर दिया ये सीधे इस पर, तब बोलता है द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों का सम आपको 180 दिखाना है। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ के लिए दो तीन चीज आप जान लीजिए। पहला, आपको जब भी होगा आप पहला स्टेप में लिखेंगे गिवन, आपको जो दिया हुआ है सो लिखेंगे। दूसरा, आप आएंगे टू प्रूफ, मतलब आपका क्या प्रूफ करना है, उसके बाद आप चलेंगे प्रूफ में, आप चलेंगे प्रूफ में, और इस बीच में यदि जरूरत पड़ेगा तो आप कंस्ट्रक्शन को भी लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो तीन स्टेप, गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ, ये मस्ट है, और कंस्ट्रक्शन बीच में। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे गिवन, है ना, आप लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है आपके पास, आपको एक लाइन ए सी बी दिया हुआ है, इस पर एक सी डी रे है जो यहाँ सी पर स्टैंड करता है, ये दिया हुआ है। गिवन आप लिखेंगे ए बी इज ए लाइन या ए सी बी इज ए लाइन, आप लिख सकते हैं ए सी, सॉरी ए आप लिखेंगे यहाँ पे ए रे, है ना, आप यहां लिखेंगे ए रे क्या है, सी डी, ठीक है ना, सी डी स्टैंड्स ऑन किस पर है, ए बी पर है, चाहे ए सी बी पर है, ए बी। तो टू प्रूफ आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, आपको प्रूफ क्या करना है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक जानकारी मैं दे दूं, आपको बहुत आसान पड़ेगा। यदि ये आपको इस तरह से रहता, ये स्टैंड रहता, और ये यदि इस तरह से आपके पास परपेंडिकुलर रहता, तो आप जानते हैं यदि ये परपेंडिकुलर होता तो क्या होता, ये 90 प्लस ये 90 दोनों मिला के 180 हो जाता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसमें हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर कहां पर बनाएंगे, इस पर बनाएंगे। तो मान लिया हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, मान लिया एक ये जो लाइन है एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरह से, मान लिया ई है, तो ई सी परपेंडिकुलर हमने क्या किया, ई सी परपेंडिकुलर हो गया आपका किसके, ई सी परपेंडिकुलर आपने ए बी पर। तो कंस्ट्रक्शन यहां पर आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, आप इस चीज को याद रखेंगे, कंस्ट्रक्शन आप लिखना, वी ड्रॉ ई सी परपेंडिकुलर टू
ए बी एट सी, आप सी पर आप उसको क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तब क्या होगा? देयरफॉर आप इस चीज को अब यहां पर क्या देखेंगे, अब देखेंगे इस चीज को, आप ये लाइन जो है इसको आप भूल जाइए, ठीक है। आप इसको यदि भूल जाते हैं तो आपके क्या होगा, एक एंगल आपको मिलेगा कौन सा, यहां पर यदि बात करें तो ये एंगल होगा, दैट इज एंगल ए सी ई। देयरफॉर लिखेंगे एंगल ए सी ई, दैट इज आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। उसी तरह ये जो एंगल आप यहां देख रहे हैं ना, ये एंगल, ये एंगल, इसका नाम होगा बी सी ई। एंगल आप लिखेंगे बी सी ई, ये भी 90 होगा। कैसे होगा? बाय कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, बाय आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्शन लिया है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, आप ये यदि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 180, ये आपका यहां पे क्लियर है। आप देखेंगे दिस इंप्लाइज, आप इस यदि फिगर को अच्छी तरह से देखेंगे तो आप यहां पे देख रहे हैं ये जो एंगल बी सी ई है, ये आपको दिस एंगल प्लस दिस एंगल है, मतलब बी सी डी प्लस डी सी ई, ये आपका एंगल है। इस चीज को आप इसको ध्यान से देखेंगे ये, और ये जो एंगल है यहां से आप जो ये एंगल की बात करेंगे, ए सी डी की बात करेंगे, तो इसमें ए सी ई प्लस ई सी डी हो जाएगा आपको। तो जो आप देख रहे हैं ए सी ई, ये ठीक है, और जो बी सी ई है इसको आप क्या करेंगे, ए सी ई जो है इसको जैसे के वैसे ही आपको रखना है, ए सी ई प्लस ये जो बी सी ई है इसको आप लिख देंगे ई सी डी प्लस डी बी सी डी, ये हो जाएगा एंगल आपका ई सी डी प्लस एंगल बी सी डी। इसको आपने क्या किया, दो पार्ट में बना दिया, इज इक्वल टू 180। अब यहां पर आप क्या करेंगे, ये एंगल ए सी ई, ये एंगल प्लस ई सी डी, ई सी डी, ये दोनों देखिए ए सी ई और ई सी डी को आप, ये दोनों को आप मिला लेंगे अब एक तरफ, और इसको आप अलग कर देंगे बी सी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज ये इतना इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज यदि आप लिखेंगे यहां पे तो देखिए, दिस इंप्लाइज आप एक चीज याद रखेंगे, ए सी ई प्लस ई सी डी, ए सी ई प्लस ई सी डी, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू ए सी डी। तो इसको आप क्या लिखेंगे, एंगल ए सी डी लिखेंगे, और ये आपका ऑलरेडी एंगल बी सी डी, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था, ये आप लिखेंगे प्रूव्ड, ये चीज आपको बनाना है। तो मेरे ख्याल से इसको फाइनली समझ गए हैं, नहीं समझते हैं काइंडली आप कमेंट करें, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगे शेयर और लाइक जरूर करें।